ऐसा हसास सूबा जिससे आपका सियासी मुकाबला शुरू के दिन से अब तक जो है वो जारी है, आप क्या मैसेज आवाम के पास लेकर जाएंगे? सिंध के लोगों के पास घरों में गैस नहीं है, 350 अरब रुपए का मिनी बजट कल आप आवाम को तोहफा दे चुके हैं, खाद नहीं मिल रही, किसान बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, पानी का मसला अलग रहता है, तो सिंध में आप किस तरह कामयाबी हासिल करेंगे, आप अपनी तंजीम को कैसे महफूज बनाएंगे, क्या कुछ है आपके पास कारकर्दगी जो आपके पास लेकर जाएंगे? मैं पहले सवाल का, बाय द वे अच्छा सवाल है, देखिए मैं इसी सवाल से एक और सवाल निकाल के उसका भी जवाब दे दूं। जो असल में मकसद आपका है वो आप बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, माने महंगाई की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है ना तो वो महंगाई है। लोग कहते हैं जी महंगाई बढ़ गई है, और उसमें ख़ास तौर पे किसकी महंगाई? फूड इन्फ्लेशन, माने खाने पीने की अशियाओं में महंगाई। वो मेरी गाड़ी में फाइल पड़ी है, अगर कोई ला दे मैं आपको बता दूंगा कि इनके ज़माने में फूड इन्फ्लेशन क्या हुई थी और हमारे ज़माने में क्या हुई थी। लेकिन आज भी जो हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि फूड इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है। वीट, गंदों पे बात कर लेते हैं ना, गंदों पे। अब आप जरा समझें कि ये मैं बताऊं क्या कहता हूं, मैं इनको कहता हूं एंटी स्टेट पार्टी, ये मुल्क के खिलाफ ये जमात है। मुझे आप ये बताएं, पिछले साल और अभी नायब के चीफ का बयान भी आ गया, वो क्या कह रहे हैं, 14 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए, और वो दो टांगों वाले चूहे हैं यहाँ पे, वो 14 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए। और फिर देखें, गंदम के प्रोड्यूसर है पंजाब, गंदम का प्रोड्यूसर है पंजाब और सिंध। सिंध के अंदर वो अपने गोदाउन है, अब सिंध के गोदाउन में पता नहीं किस साइज के चूहे हैं, जो के नैब के चेयरमैन के मुताबिक 14-15 अरब रुपए रिकवर किए हैं उन्होंने, वो जो गंजुम खा गए थे। मैं आपको अब बताता हूं, अभी 2 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करी फेडरल गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबल करने के लिए। चले आज की तारीख में $350 पर टन गंदम की वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, 2 मिलियन टन इम्पोर्ट करे कितना हो गया, $700 मिलियन। ये पाकिस्तान की आवाम के पैसे से इम्पोर्ट करे ना, तो किसी की जेब तो नहीं है, उसी से इम्पोर्ट करे। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो लोकल ग्रोथ हुई है गंदम की, उसमें से 1.6 मिलियन गंदम का हिसाब नहीं मिल रहा, 1.6 मिलियन टन, 1.6 मिलियन टन। इसकी जैसे $700 मिलियन की मंगा रहे हो 350 पे, तो इसकी वर्थ भी अगर 350 से लगा दो तो $560 मिलियन बनती है। तो ये गई किधर? यूरिया, वो अभी बदीन में एक वीडियो आई, वो इनके वो ऑफिस बेरर्स हैं, वो ट्रक रोक के तो अपनी गाड़ियों में यूरिया लोड। ये होल्डर्स हैं, ये होल्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट से मिले हुए, या खुद नहीं करते तो इनके फ्रंट में ये होल्डिंग करते हैं। देखिए ये एक, मैं आपको बताऊं, एक सिंध की हुकूमत ने, क्योंकि कराची सिंध का सूबा है और फाइनेंशियल हब है, और सिंध के अंदर जितनी इन्फ्लेशन आई है ना दूसरे पाकिस्तान के हिस्सों में, मैं आपको गारंटी करके मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे बताया ना 560 मिलियन की गंदम अगर चोरी हो गई तो आपने तो मंगानी, आपने तो मंगाई है इतनी 700 की। ये जिम्मेदार हैं, ये गेम डालते हैं, ये यूरिया में भी ये चोरी कर रहे हैं, उसमें भी होल्डिंग कर रहे हैं। अभी मुझे किसी एक हमारे यहाँ पे एक 3-4 लोगों ने कहा कि सर हमें यूरिया नहीं मिल रहा, हमें तो वो फैक्ट्री कह रही है आप डीलर से कॉस्ट पर ले लें, वो आपको गारंटी कर रहे हैं। वो डीलर से कॉस्ट में लेके अगर मेरे साथ कभी कोई आदमी होल्डिंग शुरू कर दे तो वो तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये और मैं अगर इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसमें माफ शामिल हूँ, ये तो प्रोटेक्ट करते हैं होल्डर्स को। YouTube पर Googly TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।